हेलो तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिडवल स्टडी पॉइंट में और मैं हूं राजिद और मैं आज, आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के सौ मार्क्स के हिंदी का जो पद खंड है उसी का पहला चैप्टर करबक जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और इसी कविता का मैं आज भावार्थ लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ओके और अच्छे से पढ़िएगा लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो चलिए चलते हैं हम हमारे चैप्टर पर करबक जो मुह, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है पहले हम उनका परिचय जान लेते ओके तो देख लीजिए जायसी निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि है ओके निर्गुण भक्ति के फिर आगे है जायसी का जन्म सन चौदह सौ बिरानवे ईस्वी के आसपास माना जाता है यानी इनका जो जन्म था वो पूरा फिक्स नहीं था तो उनको चौदह सौ बिरानवे के आसपास माना जाता है ओके चलिए आगे है फिर उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में रह रहने वाले थे ठीक और ये जो थे जायसी जी वो उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर रहते थे इसलिए इनके नाम में जायसी लगा ओके फिर आगे है उनके पिता का नाम मलिक शेख मरेज यानी मालिक राजे अफसर बताया जाता है ओके और इनके पिताजी का नाम ये था चलिए आगे देखते हैं जैसी क्रूप व थे यानी जैसी बहुत ही क्रूप टाइप का व्यक्ति थे और एकांक एक से ये काना भी थे ओके फिर आगे है उन्हें बाएं कान से भी कम सुनाई पड़ता था जो जैसी जी थे उनको बाएं कान से कम सुनाई पड़ता था ओके फिर आगे है उनकी इक्कीस रचना के उल्लेख मिले मिलते हैं जिसमें पद्मावत पद्मावत जो फिल्म बना है वो पद्मावत ओके और अखरावट आखिरी कलम कहरनामा चित्र रेखा कन्हावत आदि प्रमुख है ओके और जायसी की मृत्यु अठारह सौ सॉरी पंद्रह सौ अड़तालीस ईस्वी में हुआ था ठीक पंद्रह सौ अड़तालीस ईस्वी में के करीब इनकी मृत्यु हो गई थी ओके फिर आगे है चलिए देखते हैं कर्बक कहानी जो जो सॉरी कर्बक जो कविता है उसी का हर कविता कविता का भाव अर्थ निकाला जाता है तो इसे इसका भी भाव अर्थ देखते हैं ठीक तो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं इसका भाव अर्थ एक नए कभी मोहम्मद गुनी सोई बिमोहा जय कवि सुनी ओके तो इसका भावार्थ देखते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियां मल मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी जायसी गुनी यानी गुणवान है जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है और जैसे कहते हैं कि मैं भले ही काना हूँ ठीक मेरा एक आँख से मैं काना हूँ लेकिन बहुत ही गुणवान हूँ और जो भी मेरा काव्य सुनते नहीं मेरी कविताएँ सुनते मेरी रचना को सुनते हैं वो मेरे मेरे ऊपर मोहित हो जाते हैं मेरे इधर मेरे इधर आकर्षित होने लगते हैं मोहित होने लगते हैं ओके तो ये कहना है और सही में इनका रचना बहुत ही खूबसूरत होया करता था आगे है चांद जैस जग विधि अतारा दिन् कलंक किन्ह उजियारा जग सूझा एक नहा। उवा अस नक्तन महा ठीक तो चलिए इसका अभाव अर्थ देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है रचित रचीथ महाकाव्य पद्मावत के अंश है जिसमें कभी कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है ओके फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं ओके और लेखक कहते हैं कि कभी जो जैसी जी है वो कहते हैं कि मुझे ऊपर वाले ने ईश्वर ने चंद्रमा के तरह धरती पर उतारा है जैसे कि चंद्रमा में कई कमियां हैं दाग है उसी मेरे में भी है ओके लेकिन जैसे चंद्रमा दाग होते हुए कमी होते हुए भी अपने प्रकाश को पूरे संसार में फैलाता है वैसे ही मैं भी अपने काव्य की प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहा हूँ। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक ही आँख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है और लेखक फिर कहते हैं जयसी जी कि जैसे पूरे नक्षत्र जो हमारा है सौर मंडल है उसमें मात्र एक सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो चमकता रहता है जिसे भोर का तारा कहा जाता है वैसे इस पूरे संसार में मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ जो एक आंख से ही पूरे दुनिया को भली भांति समझ लेता ओके चलिए आगे है जो लही अम्बही डाब न हो तो लही सुगंध बसाई न सोई ओके तो चलिए ये ऊपर वाला जो पंक्तियाँ वाला बात है ये जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित है ये सब बात समझ लीजिएगा हम डायरेक्ट इसका भाव अर्थ बताते हैं इसमें कभी कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब डाब यानी मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता यानि जब आम होने रहता है होने वाला रहता है तो आम होने से पहले मोजर जिसको कहते हैं मोजर यानी मंजरी वो जब तक के नहीं होगा तब तक आम का सुगंध नहीं आएगा आम सुगंधित नहीं होगा तो आम को सुगंधित होने के लिए मोजर होना जरूरी है ओके इस बात पर कभी ध्यान देते हैं चलिए आगे देखते हैं आगे है कि न समुद्र पानी जो खारा तो अति पराया ओके चलिए इसका भावार्थ कहते हैं देखते हैं कभी कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह असुज और अपार है ओके कह रहे हैं कि कभी की जो समुद्र है उसका पानी कैसा है खारा है सब जानते हैं कि उसका पानी एकदम खारा है पीने लायक नहीं होता है इसलिए ही वो असूज है और अपार है अगर उसका भी पानी मीठा होता तो सब लोग पानी के लिए वहीं पर अधिकतर जाया करते ओके okay? तो समुद्र का वैल्यू समुद्र न रह जाता इसलिए कहते हैं कि समुद्र का वैल्यू किस लिए है कि उसका पानी खारा है इसलिए वो असूझ और अपार है ओके okay? चलिए आगे देखते हैं जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भा कंचनगिरी आग आकाशा ठीक चलिए इसका भावार्थ देखते हैं कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ जो भगवान शिव है महादेव है उन्होंने क्या किया कि सुमेरु पर्वत को अपने त्रिशूल से नष्ट किया और जब नष्ट करने के क्रम में उन्होंने त्रिशूल से वार किया था सुमेरु पर्वत पर तो वो पर्वत सोने का हो गया था ओके तो ये कह रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कष्ट करना पड़ता है जैसे कि सुमेरु पर्वत को टूटना पड़ा तब जाकर वो सोना में तब्दील हुआ ओके चलिए आगे देखते हैं जो लही घड़ी कलंग न पड़ा कांच होई नहीं कंचन करा चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ कवि कभी कहते हैं कि जब तक घड़िया सोना गलाने वाला पात्र ठीक है घड़िया यानी सोना गलाने वाला एक पात्र होता है ओके में सोने को गलाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती है और तब तक वो कच्ची धातु सोना नहीं होती है, अगर सोना को डायरेक्ट जमीन में से निकाला जाए तो सोना के, के रूप में होगा नहीं ना उसको गला कर सोना को अलग किया जाता है ठीक है और जो भी उसमें असुद्धियाँ होती है उसको अलग किया जाता है तो वही यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब तक के सोने को घड़िया में गलाया नहीं जाता है तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती ओके फिर आगे है अगला है एक नैन जस दर्पण तेरी निर्मल भाव सब रूपवंत गही मुख जो कई चाऊ ओके चलिए ये देखते देखते इसका कभी कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ है ओके दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ है और उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़ कर कुछ पाने की इच्छा के लिए के लिए उनके मुख्य की तरफ तका करते हैं और लेखक कहते हैं कि मैं कितना भी थोड़ा विकलांग हूँ मेरा एक आंख खराब है मैं उतना सुंदर नहीं हूँ क्रूप हूँ ओके लेकिन फिर भी जो इस दुनिया के बहुत सारे रूपवान लोग हैं रूप भरे लोग हैं वो लोग भी मेरे चरण चरण पकड़े हुए रहते हैं मेरे चरण में बैठे रहते हैं ताकि मैं उनको कुछ दे सकूं उनको कुछ ज्ञान दे सकूं इस कारण वो हमेशा मेरे तरफ ताकते रहते हैं हमेशा मेरे तरफ ध्यान रखे रहते ओके और देखिएगा एक बात इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कविता है जायसी जी का ये दो पार्ट में बटा हुआ है पहला और दूसरा पार्ट में बटा हुआ तो अभी तक तो जो मैंने बताया जितना भी लाइन का भाव अर्थ बताया वो पहला था ठीक वो पहला था लेकिन अब जो मैं यहां से बताने वाला हूँ ये क्या है दूसरा है ओके ये दूसरा लाइन है यानी दो भाग का हो ना तो उसमें से दूसरा भाग यहाँ से स्टार्ट है ओके तो चलिए देख लेते हैं इसका भावार्थ मोहम्मद कभी यह जोड़ी सुनावा सुना जो प्रेम पीर गा पावा जोड़ी लाई रक्त के ले गाढ़ी प्रीत नयन जल जलभेई ठीक चल इसका भाव अर्थ जानते हैं कभी कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं मुहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जैसी खुद को बताते हैं कि यह काव्य रचना सुना सुनाया है और जिसने भी इसे सुना उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ ओके okay. मैंने इस काव्य को रक्त की लई लगाकर जोड़ा तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं के जल से में भिंगोया और लेखक कहते हैं कि मैंने जो ये कविता जिसको भी सुनाया वो क्या होगा कि प्रेम में उनको प्रेम की पीढ़ा का अनुभव हुआ और ऐसा अनुभव क्यों हुआ क्योंकि कभी फिर कहते हैं कि मैंने इस कविता को इस काव्य को अपने रक्त के लेई से जोड़ा है ओके और गाड़ी प्रीत के आंसुओं में इस कविता को भिंगोया है जिस कारण जो भी इस कविता को पढ़ता है या मेरे काव्य को सुनता है वो प्रेम की गाड़ी के कारण उसका अनुभव करने लगता है प्रेम की पीड़ा को अनुभव करने लगता है ओके okay? चलिए आगे देखते हैं अगला है ओ मन जानी कवित अस् मकु रहे म चिन्ह कहाँ सो रत्न सेन अब राजा कहाँ सुआ अस बुद्धि उपराजा कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान कहाँ राघो जेई किन्हा बन ब खानु कहाँ स्वरूप सुर, पद्मावती रानी कोई न रहा जग रही कहानी लेखक कहते हैं कि जो भी यहाँ पर समाज में या हमारे धरती पर आया है और जो भी संसार पर कुछ न कुछ अपना निशान छोड़ के गया है वो कोई भी व्यक्ति यहाँ रहा नहीं न रत्न सेन रहे राजा न सुआ जैसा कोई बुद्धिमान रहा ठीक है न अलाउद्दीन सुल्तान रहे न राघो जयी रहा न रूप की रानी स्वरूप पद्मावती रही यहाँ कोई नहीं रहा बस रह गया है तो ये जग और जग में उनके द्वारा रचित जो भी घटना है कहानी वो रह गया ओके तो चलिए इसको अच्छा से भाषा में समझते हैं कभी कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की है कि मेरे न रहने के बाद इन संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो ओके लेखक कहते हैं कि मैं चाहे आज से कुछ दिन बाद इस संसार में न रहूं लेकिन ये जो मेरी रचना है ये मेरी काव्य है ये हमेशा दुनिया में मेरी निशानी के रूप में रहेगी ओके फिर कहते हैं अब न वह रत्न सेन और न रूपवती पद्मावती न बुद्धिमान सुहा और न राघव चेतन या अलाउद्दीन है आज इनमें से कोई भी नहीं लेकिन यश के रूप में इनकी कहानी रह गई है और फिर लेखक कवि कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा लोग आए बुद्धिमान लोग आए जैसे रतन सेन पदमावती रूप की रानी बुद्धिमान सुआ राघव चेतन अलाउद्दीन सुल्तान ये सब यहाँ आए लेकिन कोई यहाँ रह नहीं पाए रह गया तो बस उनका यश के रूप में उनकी कहानी रह गई ओके चलिए आगे देखते हैं अगला धानी सोई जस कीर्ति फूल मरे पे मरे न बासु ओके चलिए इस पंक्ति का अर्थ जानते हैं कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है ओके लेखक कहते हैं कि जो हमारा संसार है हमारे संसार में जो भी लोग आता है वो क्या होता है कभी ना कभी उसके जाने का वक्त आ जाता है ओके तो वही लेखक कहते हैं कि वह पुरुष धनवान है जो संसार में प्रतिष्ठाशील है ठीक है ना जिसका संसार में प्रतिष्ठा है क्योंकि वो पुरुष कभी न कभी इस धरती से चला जाएगा लेकिन उसका क्या बच जाएगा वही उसका प्रतिष्ठा उसका सम्मान बच जाएगा लोगों के मन में जिस प्रकार पुष्प मुरझा जाता है कुछ समय के बाद लेकिन उसका सुगंध खत्म नहीं होता ओके चलिए आगे देखते हैं अगला है अगला ये लास्ट टाइम कई न जग जगत जस बेचा क का, कई न लि, लिनह जस मोल जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल ओके okay, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इस बात को पर ध्यान दीजिएगा कवि कहते हैं कि इस संसार में न यश यश न तो किसी ने बेचा और न ही किसी ने खरीदा ओके okay, यश यानी प्रतिष्ठा लेखक यानी कवि कहते हैं कि ये जो हमारा यश होता है हमारा प्रतिष्ठा होता है यह आज तक न किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीद पाया है यश को ओके फिर आगे कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वो हम हमें दो शब्दों में याद रखेगा और इसी तरह जो भी मेरे काव्य को मेरी कविताओं मेरी कहानियों को पढ़ेगा वो हमेशा मुझे क्या करेगा कि दो शब्दों में याद रखेगा कि हाँ इस कविता के राइटर ये थे चाहे वो थे ओके तो यही सब बात है जो इन्होंने अपने इस कर्बक कविता में लिखा है ठीक तो ऐसा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बजा दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे ओके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से तो उसको भी अच्छे से याद कीजिएगा और देख लीजिएगा ठीक तो आज भर के लिए इतना ही जय हिंद गुड बाय